नमस्कार स्टूडेंट पिछले लेक्चर से जो हमने स्टार्ट किया हुआ है वो फोर ईयर एनालिसिस का डिस्कशन करना स्टार्ट किया हुआ है ये जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है ये सेकंड यूनिट का पार्ट है बट जो फोर ईयर के यूनिट के हिसाब से अगर हम देखें तो ये फ़ोर ईयर एनालिसिस की यूनिट का जो है पहला पार्ट है यूँ कह लीजिए उसका यूनिट वन वाला पार्ट है जिसका हम डिस्कस करना स्टार्ट किए हुए हैं कि फोर ईयर एनालिसिस वट इज द फोर ईयर एनालिसिस एंड हाउ इट्स वर्क एंड हाउ वी कैलकुलेट द फोर ईयर एनालिसिज और कॉन्स्टेंट भी वी कैन से नाउ सबसे पहले जो फोर ईयर में हमने डिस्कस कर चुके हैं हम पीरियोडिक फंक्शन का ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था दैट इज इफ फ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू एफ एक्स देन वी कैन से दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस इन नेचर सॉरी दिस फंक्शन इज पीरियोडिक फंक्शन जो लास्ट लेक्चर में इसका मतलब ये था कि जो आपके पास टी है के यहाँ पर जो हमने लिया हुआ ये टी आपके पास क्या होगा ये इसका पीरियड है या यूँ कह लीजिए कि ये एक कोई भी पॉजिटिव कॉन्सटेंट है और इसके समझाने के लिए या इसके अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने अपने कॉलेज के टाइम पीरियड के हिसाब का जो है हमने डिस्कस किया था कि वहाँ पर जो लेक्चर जनरली आपके पास क्या है फोर्टी फाइव मिनट का है तो एवरी फोर्टी फाइव मिनट के बाद जो होंगे क्या हो जाता लेक्चर चेंज हो जाता मतलब वो क्या है फोर्टी फाइव मिनट क्या एक पीरियड है तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो आपके पास जो एफ फो एक्स प्लस में टी इजिकल टू एफ फोफ एक्स इसका मतलब क्या है कि टी जो पीरियड है इसके बाद फिर से जो कंडीशन आपके पास वही सेम कंडीशन यहाँ पर फॉलो होती है तो है इस टाइप के जो फंक्शन होंगे उन फंक्शन को हम क्या बोलेंगे पीरियोडिक फंक्शन बोलते हैं एग्जाम्पल लिया था हमने साइन ऑफ एक्स का कोस ऑफ एक्स का टेंजेंट ऑफ एक्स का और उसके बाद जो हमने डिस्कस किया था उनका इस एग्ज़ाम्पल का डिस्कस किया था नाउ जो आज हम डिस्कस करेंगे वो उससे आगे के कंसेप्ट का डिस्कस करते हैं उस कंसेप्ट में आपके पास सबसे पहले जो आता पीरियोडिक फंक्शन के बाद कंसेप्ट वो आता फोर ईयर सीरीज फोर ईयर सीरीज का जो जर्नल सा अगर हम कंसेप्ट लेके चलते हैं तो जर्नलीस कंसेप्ट में कई कह, बार जो है हो बुक्स होती हैं यहाँ पर ए नोट भी लिखा मिलता है या ए नोट बाई टू भी यहाँ पर पॉसिबल है मैक्सिमम केसेज में जनरली आप यहाँ पे ए नोट ही विजिबल करते हैं ना उसके बाद दिस कंडीशन इस कंडीशन के हिसाब से जो फंक्शन होता है फंक्शन यहाँ पर हमने जो लिया हुआ जब हम ए नोट लेते हैं तो दैट इज़ एन इक्वल टू वन टू इनफिनिटी जब यहाँ पे जनरली ए नोट लिखा होता है हो, तो ये कंडीशन आपकी जो है समेशन की कंडीशन आपके पास क्या हो जाती है चेंज हो जाएगी दैट इज़ माइनस इन्फिनी टू प्लस इंफिनिटी नाउ नेक्स्ट एन कोस एन एक्स प्लस बी एन साइन एन एक्स यहां पर जो ए नोट है ए एन है एंड बी एन ये आपके पास क्या है दीज आर फ़ोरियर कोफिश ऑफ़ फंक्शन एफ ऑफ एक्स तो जो आपके पास टोटल जो है फोर ईयर सीरीज या फोर ईयर एक्सप्रेशन आपके पास मिलती है आपको क्या मिलेगी एफ इज इक टू ये कॉन्सेंट पहले वाला ए नोट बाई टू में समेसन एंड देन ब्रैकेट स्टार्ट तो एन कोस एन एक्स प्लस में बी एन साइन एन एक्स एंड ब्रैकेट क्लोज ना इसको डिस्कस करने के लिए एक और कंसेप्ट हमारे पास आता है दैट इज द ड्रिच कंडीशन सबसे पहले ड्रीचिलिट कंडीशन की अगर हम बात करते तो एफ एक्स इज वेल डिफाइंड जो आपके पास फंक्शन होगा फॉर ये सीरीज एक्सप्रेशन का निकालने के लिए ड्रिचिलिट कंडीशन जनरली फॉलो होती हैं वहाँ पर जब भी हम एफ एक्स की बात करते तो कि हम एफ एक्स कैसा चूज करें तो उस कंडीशन में ये वेल डिफाइंड सिंगल वैल्यूड एस एक्सेप्ट एट फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट वेल डिफाइंड होगा और सिंगल वैल्यूड होगा नाउ एफ एक्स हैज नो इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी कहीं पर भी जो ये फंक्शन है डिसकंटिन्यूस इन नेचर नहीं होगा बट हैज ओनली ए फाइनाइट नंबर ऑफ फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी ठीक है तो ये फाइनाइट नंबर पे फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी होगा एफ एक्स हैज ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम मैक्सिमम और मिनिमम क्या होगा इनके फाइनाइट नंबर हो नंबर में रहेंगे ये ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ पर इन फाइनाइट की कोई ऐसी कंडीशन मिलेगी यहाँ पर हमने डिस्कस किया था एफ एक्स इज सिंगल वैल्यूड फंक्शन इसको अगर आप ग्राफिकल डिस्कशन में लेके आए तो जनरली अगर आपको ये कंडीशन दी जाए तो इट मींस यहाँ पर क्या है एवरी पॉइंट पर क्या है आपके पास जो है सी एक फिक्स्ड वैल्यू है केस इसी कंडीशन को या इसको हम दूसरे वेव से के हिसाब से करें मान लो इसको मैं ए इस फॉर्मेशन से डिस्कस हम करें तो इट मींस अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो इस पॉइंट पर यहाँ पर क्या है आपके पास एक ये वैल्यू मिलेगी आपको एक ये वैल्यू मिलेगी मतलब इस टाइप की जो फंक्शन होंगे उस फंक्शन में आपको जो है एफ एक्स फोरियर सीरीज के कंसेप्ट से हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे इस टाइप का आपके पास फंक्शन होना चाहिए जहाँ पर एक सिंगल पॉइंट पर जो है सिंगल उसकी वैल्यू लो इस एक्सिस पे हमने तीन पॉइंट लिए तो सिर्फ आपके पास तीन ही यहाँ पर वैल्यूज है और इस ग्राफ के में अगर हम देखें तो इस पॉइंट पर हमारे पास क्या है कि ये वैल्यू है एक आपके पास ये वाली वैल्यू है तो मतलब ये जो है ये सिंगल वैल्यूड नहीं होगा ये आपके पास सिंगल वैल्यूड होगा ना अगर हम मैथमेटिकटिकल कंसेप्ट के हिसाब से डिस्कस करते हैं तो इफ एफ एक्स हैज ओनली वन वैल्यू फॉर ए गिवन एक्स देन एफ एक्स इज कॉल्ड सिंगल वैल्यूड मतलब एक जगह पर एक वैल्यू हो तो क्या होगा वो सिंगल वैल्यूड फंक्शन होगा यहाँ पे अगर हम मैथमेटिकल एग्जाम्पल का इसका डिस्कस करें तो दैट इज से एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स से एक्स इज फोर नाउ दिस इज फोर स्क्वेयर एंड दिस इज सिक्सटीन नाउ सेकेंड एग्जाम्पल में एफ एक्स इज इकल टू स्क्र रूट ऑफ एक्स एफ इज एक्स इज फोर देन सुके रूट ऑफ फोर इज प्लस माइनस टू मीन्स इन दिस केस ये आपके पास जो फोर है या यूं कह लीजिए कि ये जो फोर हमने किसके लिए लिया है एक्स के लिए लिया है ठीक है पहले कंसेप्ट में देख रहे हैं तो यहाँ पर आपके पास ओनली सिक्सटीन है दूसरे केस में इसी कंसेप्ट को लें तो यहाँ पर इसकी वैल्यूज कितनी है प्लस माइनस

मिली थी अब दो वैल्यूज आपको मिलेंगी तो वो सिंगल वैल्यूड नहीं होगा यहां पे अगर हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के हिसाब से विजिबल करते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर ये लें तो ये सिंगल वैल्यूड है और ये फंक्शन लें तो ये क्या है सिंगल वैल्यूड फंक्शन नहीं है कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन अब वैसे भी सिंपल से वे में अगर हम कॉन्टिन्यूस की बात करें तो जनरली हम साइन वेव की बात करते हैं दैट इज दर कॉन्टीन्यूअस वेव तो यहां पे हम फंक्शन की बात करते हैं तो इसका मतलब जो फंक्शन होगा उसका जो साइन वेव का फंक्शन होगा वो क्या होगा कॉन्टिन्यूस नाउ कॉन्टिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन। वी से दैट एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट ए वेन एक्स अप्रोच टू एक्स किस को अप्रोच करता हो a को ऑन आई साइड दैट इज फ्रॉम या लेफ्ट हैंड साइड से या फिर राइट हैंड साइड से दिस इज द एग्जाम्पल मीन एफ लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू किसकेर इज नेगेटिव एफ एक्स इक्वल टूम यहां पर एंड ऑल दीज आर इक्वल तो हम क्या कह सकते हैं कॉन्टिन्यूस सिंबोलिकली अगर हम डिस्कस करते हैं लिमिट एक्स टेंस टू एफ ओफ एक्स इज टू किसके बराबर आ जाए ए के बराबर ना केस अगर हम इसका एग्जाम्पल का डिस्कस करें दफ ऑफ एक्स इज इकल टू ये हमारे पास इस फैक्टर के बराबर आपके को पास क्या हो एक्स फंक्शन uh, हो दैट इज एक्स स्क् माइनस ए डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए व्हेन एक्स नॉट इक्वल टू ए ये एक्स इक्वल नहीं है किसके ए के आल्सो लिमिट एक्स टेंस टू एक्स स्क् माइनस ए स्क्वेयर डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए एंड फाइनली वी कैलकुलेट लिमिट एक्स ऑफ ए इज इक्वल टू ए प्लस ए एट इज इक्वल टू टाइस ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ एट मीन्स एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ये तो आपके पास ये फंक्शन है वो क्या होगा कॉन्टिन्यूस इन नेचर का होगा ये डिस्कटिन्यूस कब होगा इन केस ये फंक्शन डिस्कटिन्यूअस हो तो उसमें से ही आपके पास कंडीशन है ये अगर एक भी सेटिस्फाई नहीं होगी तो आपके पास जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा पहली कंडीशन डिफाइंड होना चाहिए एफ ओफ शुड भी डिफाइंड सेकेंड कंडीशन जो है ये मैंने पहले भी डिस्कस किया ये जो वैल्यूज हैं ये ऑलवेज इक्वल हो ए पॉजिटिव एक्स टेंस टू एक्स टेंस टू सॉरी ए नेगेटिव एक्स टेंस टू ए पॉजिटिव इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू ए आपके पास फाइनली जो है ये मिलना आपको चाहिए ठीक है मतलब इन तीन कंडीशन में से इन केस अगर आपके पास एक भी कंडीशन जो सेटिस्फाई नहीं है तो फंक्शन आपका क्या होगा डिसकंटिन्यूअस होगा नाउ दीज आर सम फार्मूलाज लाइक बर्नौली फार्मूला दिस इज द एक्सप्रेशन एंड इन दिस केस ऑल दिस यू डैश यू डबल डैश यू ट्रिपल डैश एंड ऑल दीज आर डेरिवेटिव ऑफ यू सिमिलर केस

these आर Fourier coefficient एंड वी फाइंड दिस फैक्टर दिस फैक्टर एंड दिस फैक्टर इनका जो डिस्कशन करेंगे वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे एंड दिस इज फॉर साइन टू एन पाई इजिकल टू जीरो दिस इज फॉर साइन एन एक्स इंटीग्रेशन दैट इज इग्रो माइनस कोस एन एक्स डिवाइडेड बाई एन एंड दिस इज कोसाइन एन एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन दैट इज साइन ऑफ एन एक्स डिवाइडेड बाई मै एन और नेक्स्ट लेक्चर में जो हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे फॉर यर कोफी सी एंड का थैंक यू आज के लिए हम इतना ही डिस्कस करेंगे